और अभी आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद तालबा तशद्दुद केस में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक मुकदमा मरकजी मुलजिम शेख दानिश और उसकी अहलिया माहम फातिमा के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIA का कहना है कि मुलजिमान ने तालिबा पर तशद्दुद और काबिल एतराज मवाद पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। FIA के मुताबिक मुलजिमान के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए हैं। केस में नामजद दीगर मुलजिमान से भी तफ्तीश की जाएगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद की मकामी अदालत ने मरकजी मुलजिम शेख दानिश को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमे में अगवा, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की दफात भी शामिल कर ली है। इधर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजी गई मरकजी मुलजिम की अहलिया मुलजिमा माहम ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने मुकदमे की मदिया और केस का रिकॉर्ड 20 अगस्त को तलब किया गया है। मुकदमे में नामजद दीगर 4 मुलजिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि मुलजिम शेख दानिश की बेटी अना शेख को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।